रईस शेख जी, हम जानना चाहेंगे जैसा 40 साल से जो झोपड़े थे आपके एरिए में जाके, आप नगर सेवक हो मॉरलैन रोड पीर खान स्ट्रीट, आज 40 साल बाद उनको वाकई में घर मिलेगा रहने के लिए, तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंजेस है लोगों के लिए, बहुत खुशी है इस बात की। तो इसमें आपने इसको कैसा इम्प्लीमेंट किया और कैसा एग्जीक्यूट किया है प्लान को? जब मैं नगर सेवक बना, जब मैं पीर खान स्ट्रीट पे, मॉरलैन रोड पे, एम ए रोड पे कैंपेन करता था, तो वहाँ के लोगों की एक ही मांग थी कि ये झोपड़े हटना चाहिए। एक तरफ वो पब्लिक थी जो परेशान थी ट्रैफिक की वजह से, जो बिल्डिंगों में रहती है, जो झोपड़ों की वजह से परेशान थी कि रास्ता ही नहीं था चलने के लिए। दूसरी तरफ ये झोपड़े वाले थे जो हमारे ही भाई है, जो झोपड़पट्टी में ऐसी ज़िंदगी बिता रहे थे जहाँ ना उनके पास टॉयलेट था, ना पानी था, उनके बच्चे स्कूल जाते थे लेकिन कपड़े बदलने की जगह नहीं थी। तो ये दोनों परेशानियों को समझ के जैसे ही मैं इलेक्शन में जीता, मैंने सबसे पहले जो कमिश्नर थे मुंबई के अजय मेहता उस वक्त, उनके पास एक जॉइंट मीटिंग रखी, उनको पूरी परिस्थिति समझाई कि ये झोपड़ेवासी जो है ये बहुत परेशान है और बिल्डिंग वाले भी परेशान हैं। तो उन्होंने हमको बताया कि महात्मा गांधी पथ क्रांति करके एक योजना है जिसके तहत आप जो है रस्ते के जो लोग हैं उनको घर दे सकते हैं। अजय मेहता साहब ने एक टाइम बाउंड मैनर में पूरे प्रोसेस को कम्प्लीट करने के ऑर्डर्स दिए। इस सिलसिले में 3 रिव्यू मीटिंग्स हुई और अब थोड़े दिन पहले 230 झोपड़े जो है उनको पात्र किया गया। इनके लिए हम लोगों ने बहुत धमकियां झेली, इनके लिए हमने वो पॉलिटिशियंस जो कभी नहीं चाहते कि झोपड़े हटाए जाए उनके बहुत से प्रेशर झेले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 230 जो झोपड़े हैं उनमें जो जो उनको परेशानी थी, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी थी, मदद चाहिए थी बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के निकालने के लिए, वो तमाम में हमने हेल्प किया। उसके बाद 230 झोपड़ों की पात्रता हुई। पात्रता होने के बाद मुंबई के अंदर मुकुंद नगर चेंबूर में एक इलाका है जहाँ पे अच्छे घर है, वो सिलेक्ट करके उनका अलॉटमेंट किया है। अब मुझे आज इन्फॉर्मेशन दी गई कि 27 तारीख को बीएमसी में लॉटरी होगी। लॉटरी इसलिए होगी कि 220-230 घर है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे, तो लॉटरी होती है कि किसको कौन सा घर मिलेगा। वो लॉटरी होने के बाद अलॉटमेंट लेटर इशू होंगे और फिर सबको समझा बुझा कर उनकी शिफ्टिंग की जाएगी, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। रईस जी, जैसा देखा गया करीब 500 से ज़्यादा घर है उधर जो झोपड़े माने जाते हैं, फर्स्ट फेज में 230 को शिफ्ट किया जाएगा, तो ये कोशिश आपकी कब तक रहेगी? जो बाकी 270 घर या 200 के ऊपर घर रहोगे तो उनको कब तक का शिफ्टिंग का आप इंतजाम कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, हम लोग के लिए भी नया काम था। ई वार्ड में ये 40 साल से झोपड़े तो थे लेकिन कभी भी लीगल प्रोसेस उनका नहीं हुआ था। अब ई वार्ड के अधिकारियों को पता चल गया है प्रोसेस कैसा करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका अलॉटमेंट होता है, कैसे उसका सैंक्शन होता है। तो ये 230 के बाद नया बैच जो हम लोग लेंगे वो मेघना शेट्टी मार्ग का लेंगे। मेघना शेट्टी मार्ग के बाद फिर काला पानी है, फिर मराठा मंदिर है और फिर ऐसे मसगांव में भी झोपड़े हैं। तो खाली रईस शेख जी ये पीर खान मॉलन रोड तक सीमित रहेगा कि आप पूरे बाइकल्ला के हलके में या पूरे मुंबई के हलके में ये काम करने का अपने थाने हो? मेरी कोशिश है कि ई वार्ड में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहे कि जो रास्ते के ऊपर झोपड़े में रह रहा है, उनको घर मिलने चाहिए। साथ ही साथ ये जैसे ही झोपड़े जाएंगे तो वो फुटपाथ पे हम लोग चल पाएंगे। आज मॉलन रोड पे चलने की जगह नहीं है। एक वक्त था कि मॉलन रोड को ठंडी सड़क कहा जाता था कि आदमी वहाँ टहलने आता था, आज वहाँ बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। तो ये पूरी कोशिश रहेगी कि ई वॉच जो है ये जो रास्ते पे स्लम है इससे मुक्त हो जाए। ये देखा गया एक सब में अच्छा पॉजिटिव ये रहा कि जब भी शिफ्टिंग होती है झोपड़ों की तो उनको इन कंडीशन ह्यूमन कंडीशन की जगह पे माहौल गांव में भेजा जाता है। पर ये बार कुछ अलग हुआ क्या? मानपुर में एक नगर, मान गया चेंबूर में एक जगह पर भेजा गया एक नगर में, तो ये कैसा हुआ पॉसिबिलिटी? ये इसका क्या राज था? क्या माहौल से हटा के सीधा इनको सिटी में लाया गया चेंबूर में? नहीं, इसका कोई राज नहीं है, ये कॉमन सेंस है कि हमने जाके इन्वेंट्री चेक की कि कहाँ कहाँ घर है और ये बाद में हमको पता चला कि मुकुंद नगर करके जगह है जहाँ पे और भी 4-5 बिल्डिंग्स हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करे तो इंसान को कामयाबी मिलती है। हमने थोड़ी मेहनत की और ये जगह मिली और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि वो भाई जो रास्ते पे रहते थे, जो फैमिलीज रास्ते पे रहती थी, वो अपने घर में जाएगी। और यही नहीं, हम उनका पूरा साथ देंगे। वो गोवंडी के करीब है, हम कोशिश करेंगे कि आपका गढ़ है, समाजवादी का गढ़ है। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छी स्कूल मिले बच्चों को। मैंने वहाँ के लोकल काउंसिलर से भी बात की है, लोगों से बात की है कि इनको जब वो वहाँ आए तो उनका हाथ पकड़ के, उनकी मदद करके उनको स्कूलों में एडमिशन हो, चाहे उनको कोई परेशानी हो वहाँ पर बसने में, जो जो उनको दिक्कत आए वो सब दूर करे और ये लोग अच्छी ज़िंदगी जिए, यही हमारी आगे कोशिश रहेगी। रईस जी, ये MLA के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे आप? नहीं, इसमें MLA की ज़रूरत नहीं। मैं ये 2017 में जीत के आया तो मार्च महीने से कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो MLA तो बात की बात है,
आज ज़रूरी ये बात थी कि जिस इलाके ने आपको जिता के दिया, जिन लोगों ने, तो जो शर्त उन्हें रखी थी कि आप मॉलन रोड को साफ़ करके दीजिए, साथ में ये लोग जो मॉलन रोड के लोग हैं, हमारे लोग हैं, इन्होंने हमें साथ दिया था, इनको घर दिलाए, तो ये दोनों वादे जो है ये पूरे किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी से बात करने के लिए सर।